हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम ब्लेंडर में बैकग्राउंड में क्लाउड्स ला सकते हैं। कई बिगिनर्स को यह परेशानी होती है कि ब्लेंडर में बैकग्राउंड में क्लाउड्स ही नहीं ला पाते हैं, या तो वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कई सारी HDRI डाउनलोड करते हैं, या फिर वर्ल्ड सेटिंग में जाकर यहाँ से कुछ इस तरह से कलर चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे एनिमेशन अच्छा नहीं लगता और जो लाइटिंग इफेक्ट है वो भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। इस तरह से करने में लाइट्स पर काफ़ी कुछ इफेक्ट पड़ता है, फ्रेंड्स ये सही तरीका नहीं होता है ब्लेंडर में बैकग्राउंड चेंज करने का। जिसके लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ जिससे आप ब्लेंडर में आसानी से बैकग्राउंड भी चेंज कर पाएंगे और अदर कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो इससे लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक ऐड ऑन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो ब्लेंडर में पहले से ही आता है। प्रेफरेंस में जाइए, एड ऑन्स में जाइए, सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है डायनामिक स्काई, इस पर आप चेक कर लीजिए और इसे सेव कर लीजिए। सिंपली आपको एन प्रेस करना है या इसे ओपन कर लेना है, ये एन प्रेस करेंगे तो खुल जाएगा। यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली डायनामिक स्काई पर जाकर क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट करेंगे थोड़ा सा चेंज होगा और आप देखेंगे कि जो आपका रेंडर इंजन है वो EV से साइकिल में हो गया है। इसको आप चाहे तो साइकिल में रख सकते हैं अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो, अदरवाइज आप EV कर लीजिए। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है, इसको आप EV कर सकते हैं। EV करने के बाद आप फिर से जाइए वर्ल्ड सेटिंग में, और वर्ल्ड सेटिंग में आप यहाँ से इसे चूज़ कर लीजिए डायनामिक स्काई। जैसे ही आप डायनामिक स्काई करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आ गया है, इस तरह का इफेक्ट आप देखते होंगे यूनिटी में, तो आपको क्लाउड्स भी दिख रहे होंगे और हॉरिजन में भी कुछ डस्ट टाइप का दिख रहा है। तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। फिर से जाइए आप डायनामिक स्काई में, और यहाँ पर देखेंगे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, शेडो वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद स्काई का कलर जो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लूइश टाइप का करना हो तो वो कर सकते हैं। जो हॉरिजन का कलर है, डस्ट चाहिए आपको, ग्रास चाहिए, ग्रीन लुक चाहिए, आइस लुक चाहिए, अगर आइस चाहिए तो एकदम ब्लू में कर दीजिए, घास ग्रीन चाहिए तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर आपको रेगिस्तान वगैरह डस्ट वगैरह चाहिए तो इस तरह का लुक कर सकते हैं। देखा आपने। इसके बाद आप क्लाउड डेंसिटी यानी क्लाउड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए आप क्लाउड ओपेसिटी को कम करेंगे, थोड़े मध्यम मध्यम से दिखेंगे ओपेसिटी, और 0 पे करने पे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। तो आप इसे 0 से 1 के बीच कर सकते हैं, आप जितने भी चाहे उतने क्लाउड्स कर सकते हैं। डेंसिटी आप बढ़ाएंगे तो क्लाउड्स गायब होते जाएंगे, मतलब थोड़े ज़्यादा डेंस हो जाएंगे, छोटे छोटे पार्ट्स हो जाएंगे, और डेंसिटी कम करेंगे तो बड़े बड़े क्लाउड्स आएंगे। ये देखिए, तो आप अपने एनिमेशन के हिसाब से आपका जैसा भी एनवायरनमेंट रखना है उस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अपन सन की जो कलर है उसे भी चेंज कर सकते हैं, इसमें अलग से कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सन की वैल्यू भी देखिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उसकी ब्राइटनेस भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सन की वैल्यू का, हालांकि बैकग्राउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप एनिमेशन में देखेंगे आप लाइट पे तो फ़र्क पड़ता है। ये देखिए,
सन की वैल्यू का जो इफेक्ट पड़ेगा वो ओनली ऑब्जेक्ट्स पर ही पड़ेगा। इसके बाद आपको सॉफ्ट लाइट चाहिए, हार्ड लाइट चाहिए। सॉफ्ट लाइट में गाइस थोड़ा ब्लूम उतरेगा, ये देखिए ये हार्ड लाइट हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप आसानी से ब्लेंडर में बैकग्राउंड चेंज करके आप अपना एनिमेशन रेडी कर सकते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आप HDRI का यूज़ तो कर ही सकते हैं। सो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।